मैंने आप लोग मैंने कल आपके पास शेयर भी किया है कि उनकी थोड़ी सी जो उन्होंने जहां जहां काम किया है, जहां जहां उन्होंने आभा, यू हैव टू आभा आप अनम्यूट अनम्यूट योरसेल्फ। हो गए। हाँ आभा अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैं ये कह रही हूँ कि कल मैंने वैसे हमारी टीम में शेयर किया है कि डॉक्टर हेगड़े की पूरी जो एक पढ़ाई है, वो कहाँ से उन्होंने शुरुआत की और किस तरह से वो जगह जगह अलग अलग मुल्कों में जाके उन्होंने जो बहुत कुछ सीखा और सिखाया और बहुत सारी जानकारी हासिल की, और क्वालिफिकेशंस भी उनके बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। और आज हम सच में तहे दिल से उनका शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने ये वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो भी लोगों के प्रश्न हैं वो बाद में पूछे, पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी डॉक्टर साहब कि आप शुरू करें थोड़ा सा। एक पूरा जो संदर्भ है अभी कोविड का और जो हालात है, और उसमें कौन सी चीजें हैं जो हमें जानना एक वैज्ञानिक तरीके से बहुत जरूरी है, और जो हमारी भावनाओं की उथल पुथल चल रही है हमारे जिंदगी में, जो थोड़ा डर, थोड़ी वहशत, थोड़ा गुस्सा, ये सारी चीजें भी साथ साथ हैं। और हम जो सुन रहे हैं वो कई बार बहुत भयानक लगता है। हर परिवार पूरी तरह से इसमें जुड़ चुका है, हर परिवार में कहानी है सदमे की, दोस्त को लेके, परिवार को लेके। तो हम वहीं से शुरू करते हैं। डॉक्टर हेगड़े, बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम। कोविड अभी तो सब लोग जान गए ये क्या है क्या नहीं है। जैसे मैडम ने कहा हम सबको कहीं ना कहीं तो टच किया है, कहीं कहीं ना कहीं खुद हो गए या रिलेटिव या हमारे दोस्त किसी को हुआ। तो ये है क्या चीज, ये वायरस है। तो वायरस ऐसी चीज है जो शरीर के अंदर घुसता है और फिर अपना खराब काम करता है। और उसके जैसे बैक्टीरिया जैसे होता है, पैरासाइट्स जैसे होते हैं, तो ये अलग अलग टाइप के चीज है जो शरीर के अंदर घुस के डैमेज कर सकते हैं। कोविड वायरस जो है, जो से आम सर्दी का जो वायरस होता है या फिर पोलियो या ऐसे वायरस के हिसाब से ही वो शरीर में अंदर आता है और गले के वहां फंसता है। और ये वायरस उधर के सेल्स, गले के अंदर जो सेल्स होते हैं छोटे छोटे, उसके अंदर घुस के वो सेल्स के अंदर नंबर अपना बढ़ाने लगता है। तो थोड़े टाइम में उसके नंबर्स इतने बढ़ जाते हैं, तो वो धीमे धीमे करके अपने नंबर्स बढ़ाते जाता है। तो ये आता कहाँ से? ये और किसी को जिसको कोविड हुआ हो, वो अगर किसी दूसरे आदमी के पास में हो और बिना मास्क के बात करता हो और जो सामने वाला है वो भी मास्क ना लगाता हो, तो फिर उसके सांस से, उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स निकलते हैं, उसके साथ से वो दूसरे के अंदर चले जाता है और वो आदमी को भी कोविड होने लगता है। और ये नंबर जब बढ़ते हैं, एक लेवल पहुंचता है, तो हमारा शरीर सोचता है कि इस वायरस को मारना चाहिए। जब ये हमारा शरीर इसके सामने डिफेंस बनाता है, वो है एंटीबॉडीज। धीमे धीमे हमारे एंटीबॉडीज ये वायरस को समझने लगते हैं और उसको मारने शुरू करते हैं। और ये होता है 4 से 5 दिन में। यानी आज आपको अगर एक्सपोजर हुआ है, एक दूसरे एक आदमी से मिले जिसके साथ जिसको कोविड हुआ था, और आपके अंदर सिम्टम यानी वायरस के और एंटीबॉडी के बीच में जो जंग होता है, उसकी वजह से जो साइटोकाइन, ये एक चीज है जो बाहर निकलता है, उसकी वजह से हमको फीवर होता है। तो ये जंग 3-4 रोज तो लगता ही है, एवरेज 4 डेज, 4 से 5 दिन। तो उसके बाद हमें फीवर होता है, बुखार आता है, शरीर में बेचैनी लगती है, वीकनेस लगता है, मायाल्जिया में दर्द होने लगता है। कभी कभी क्योंकि गले में ज्यादा फंसता है तो खांसी शुरू होती है। इस खांसी में कुछ बलगम निकलता नहीं है, लेकिन खांसी होती रहती है।
कभी कभी ये हमारे खाने ले जाने वाले जो पाइप है उसमें भी ये असर कर सकता है, तो उसमें हमें डायरिया हो सकता है, कोई कोई लोगों को एसिडिटी है। ये तो अक्सर कोई भी फ्लू, कोई भी वायरस के इन्फेक्शन में ये दिखता है, ये चलता है 4-5 दिन के लिए। 4-5 दिन में अगर बुखार बढ़ता नहीं है, अगर आपके शरीर में ये पैरासीटामोल यानी बुखार नीचे आ जाता है ये वो, तो फिर ये अक्सर 80% लोगों में, 80 से 85% लोगों में तो ये कहानी खत्म हो जाता है, तो दूसरे स्टेज तक जाता ही नहीं है। दूसरे स्टेज में क्या होता है कि हमारा जो एंटीबॉडीज है वो सामने वाले वायरस को कैसे पहचानता है, वो पहचानता है उसके ऊपर एक प्रोटीन होता है, इसको हम स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि वो वायरस के ऊपर के सरफेस में पड़ा होता है, तो उसको हमारा एंटीबॉडी मारता है। अभी कोई हमारे सांस लेने वाले जगह में जो लंग्स है, फेफड़े से हैं, उस उधर भी ऐसे सेल्स हैं, खास करके खून ले जाने वाले ट्यूब में लंग्स के अंदर, और उसके जो सेल्स हैं वो भी इनके वायरस जैसे उसके ऊपर सरफेस होता है, और उसमें भी स्पाइक प्रोटीन हो सकता है। तो ये जो एंटीबॉडी हमारे ही शरीर का जो है वो दोनों के बीच में अंतर नहीं देखता, वो वायरस को भी मारता है और ये सेल्स के अंदर भी उसको खाने को कुछ कोशिश करता है, तो जिसकी वजह से हमारे फेफड़े के अंदर जो छोटे छोटे खून ले जाने वाली नस है उसके अंदर क्लॉट्स होने लगते हैं, क्लॉट्स है वो खून जम जाता है और खून जाता नहीं है, यानी आप जो ऑक्सीजन सांस में ले रहे हो वो खून न चलने से शरीर के अंदर जाता नहीं, और धीमे धीमे ये बढ़ते जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। जब ये वायरस का लोड ज्यादा होता है, जब किसी को डायबिटीज है, किसी का दवाई चल रहा हो ये वो, उन लोग में ये ज्यादा देखने को मिलता है, दूसरे में भी हो सकता है। इधर ही एक अनसर्टेनिटी यानी जिसको हम पकड़ नहीं पाए मॉडर्न मेडिसिन में, ये कौन से लोग हैं जो खराब, यानी उनका कंडीशन इतना खराब हो सकता है, और कौन से लोग हैं जिनका कंडीशन नहीं खराब हो सकता, वो फिट होते हैं, उनको कोई कोमॉर्बिड यानी कोई डायबिटीज ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी क्यों ऐसे चले जाते हैं वो अभी तक हम पूरा समझ नहीं पाए। लेकिन ये वायरस के सिम्टम्स यानी जब से हमको बुखार ये सब शुरू हुआ उसके 4-5 दिन के अंदर अगर बुखार कम नहीं होता, वो बुखार बहुत ज्यादा रहता है यानी 100 से ऊपर रहता है पैरासीटामोल लेने के बावजूद, सांस लेने में थोड़ा तकलीफ होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन आपके गिरने लगता है, थोड़े आपने जो ब्लड टेस्ट कराए खास करके जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं ये है ESR, CRP, फेरेटिन, इंटरलुकिन 6, IL-6, ये सब रूटीन टेस्ट, ये टेस्ट में हमारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बहुत ज्यादा दिखते हैं, और अगर हमने एक्सरे कराया या CT स्कैन कराया उसमें हमारे स्कोर कम आता है, और ये वायरस का इफेक्ट ज्यादा दिखता है, तो फिर ये स्टेज में हमें हमारा बॉडी का डिफेंस को दबाना जरूरी है, तो ये स्टेज में हमें स्टीरॉइड्स शुरू करना जरूरी है। ये जो सेकेंड फेज जो होता है ये इसमें अभी वायरस का रोल नहीं रहा, वायरस ने तो अंदर उंगली कर दिया और हमारे एंटीबॉडीज हमारे ही शरीर के चीज को लंग के अंदर, फेफड़े के अंदर दुश्मन मानने लगे, तो उसको रोकने के लिए हम स्टीरॉइड्स देते हैं, और सिर्फ स्टीरॉइड से काम नहीं चलता, खून जमना नहीं चाहिए, उसके लिए हमको खून को पतला करने वाला जो दवा है वो देना चाहिए साथ में, तो ये दो दवाई देने से
अक्सर ये जो पेशेंट्स का जिनका खराब होता है, साथ में ऑक्सीजन पैरासिटामोल ये सब तो चलना ही चाहिए, तो ये लोग बच जाते हैं। लेकिन साइड इफेक्ट स्टीरॉइड का ये है कि वो हमारा डिफेंस और भी कम करता है, तो जिससे हमारे अंदर जो बैक्टीरिया है जो नॉर्मली इधर उधर घूमते रहते हैं, जो हमको टच नहीं करते, वो हमको असर नहीं करते, क्योंकि हमारा एंटीबॉडीज हमारा डिफेंस अच्छा है, लेकिन ये स्टीरॉयड लेने से हमारा वीक हो जाता है और जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया हमको इन्फेक्शन दे सकता है। तो ये जो सेकेंडरी इन्फेक्शन जो बोलते हैं हम, सेप्टिसीमिया या लंग इन्फेक्शन जो होता है, उसके लिए एंटीबायोटिक देना जरूरी है। और साथ में दूसरा चीज स्टीरॉयड जो कर सकता है वो है आपके जो शुगर यानी डायबिटीज का जो है उसको बढ़ावा दे सकता है। आप अगर प्री डायबिटिक हो या डायबिटिक हो, वो स्टीरॉयड लेने से एकदम ब्लड शुगर बढ़ जाता है, और ब्लड शुगर बढ़ने से साइड इफेक्ट्स तो सबको मालूम है क्या क्या हो सकता है। इन्फेक्शन बढ़ सकता है, किडनी सब जगह इफेक्ट हो सकता है, तो ये स्टेज में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो तो पहले तो सिर्फ नॉर्मल तो ये है कि आप अगर 20 मिनट चल सको, सांस अगर फूलता नहीं है, तो आपके ऑक्सीजन बैलेंस नेचुरल एयर में ठीक है। लगा अगर आपका सांस फूलने लगता है, और अगर आप जब पल्स ऑक्सीमेट्री लगा रहे तो ऑक्सीजन के लेवल 95 से भी कम हो रहा है, यानी नॉर्मल लोगों में 90 तक पहुंच जाए, तो इन्हें ऑक्सीजन देना जरूरी है। तो बाहर से जब हम ऑक्सीजन देते हैं, फिर अगर ये हम मास्क के या ट्यूब की वजह से ट्यूब से दे सकते हैं, तो उसको हम बढ़ाते जा सकते हैं। 2 लीटर दिया, 6 लीटर दिया, 5 लीटर दिया, 10 दिया, 15 दिया, उससे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी ऑक्सीजन शरीर में नहीं आ रहा है चाहिए उतना, क्योंकि ये जो फेफड़े से उसमें अभी ये साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से इतने सब फेफड़े से बिगड़ गए, तो हमें इनको बाईपैप, सीपैप, ये कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन जाता है जिससे प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन हम देते हैं, अगर इससे भी काम नहीं चला तो हमें वेंटिलेटर पे पेशेंट को डालना। और वेंटिलेटर पे जब डालते हैं तो मैकेनिकल वेंटिलेशन यानी बाहर से हम फोर्स करते हैं ऑक्सीजन। ये सीरियस, ये क्रिटिकल सिचुएशन। इससे पहले जो मैंने आपको फेस बताया, उससे हम ये पहचान जाए कि ये आदमी नॉर्मल जो रिस्पांस है उससे खराब रिस्पांस में जा रहा है, डेंजरस पाथ, वो रास्ते में जा रहा है जिसमें ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसको पहचानना जरूरी। तो उसको पहचानने के लिए मैंने जो थोड़े बहुत कहा, एक तो बुखार कम नहीं होता, 100 के ऊपर ही रहता, ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। दूसरा है कि आपके खून के जांच में सीआरपी, फेरिटिन, IL-6, सीआरपी खास करके बहुत बढ़ा हो, ESR बढ़ा हो, आपके प्लेटलेट काउंट्स एकदम नीचे आ जाते हो, तो ये सीरियस मोड ले रहा है। उसके आपने एक्सरे कराया तो दिखे फेफड़े में निमोनिया जैसा दिख रहा है ये, हालांकि नॉर्मल जो हम पहले जो निमोनिया देखते थे वो नहीं, ये वायरल निमोनिया। इसका CT स्कैन कराते तो उसमें एक स्कोरिंग सिस्टम होता है, यानी 25 में से हम मार्क देते हैं, अगर 8-10 से कम है तो ये तो माइल्ड है, अगर 10 से 18 के बीच में तो मॉडरेट, और 18 के ऊपर तो सिवियर, यानी उससे पता चलता है कितना फेफड़े बिगड़ गया। तो ये जो जितना आपके नंबर बढ़ते जाते हैं CT स्कैन में, उतना ही डेंजरस होता जाता है, उतना ही बताता है कि ये आगे चल के अगर ये पेशेंट लौटता नहीं है नॉर्मल, तो उसके वेंटिलेटर में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो मैनेजमेंट है इसका कोविड का, क्योंकि
80 से ज्यादा लोग, 80 से ज्यादा परसेंटेज लोग को तो कुछ ज्यादा होता नहीं है। ये जो 15 है, 10 से 15% जो लोग हैं उनके अंदर ये संभाल के रखना है। अब आता है क्वेश्चन कि ये सब जो दवाई हम देते हैं, आप विटामिन है, प्रोटीन है, ये सब तो लेना जरूरी है, ये विटामिन नॉर्मली भी लेना जरूरी है और जब कोविड वायरल होता तो लेना जरूरी है, क्योंकि उसको लेने से हमारा वायरल अटैक, हमारा हेल्थ, हमारे शरीर का जो डिफेंस है वो और भी अच्छा हो जाता है, तो ये लेना जरूरी है। अब जो वायरस का लोड को कम करने के लिए, जो पहले फेज के बारे में मैंने बात किया था, उसके लिए काफी कोई दवाई है जो वायरस को मार सकता है, तो वो जो सब दवाई है उसमें अभी भी डिबेट है कौन सा काम करता है कौन सा नहीं काम करता। तो ये है आइवरमेक्टिन, पहले तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये भी बहुत फेमस हुआ, तो फिर लोगों ने बताया कि इसमें किसी को भी फायदा नहीं है तो बंद हो गया उसे। फिर प्लाज्मा थेरेपी चालू हुआ, ये प्लाज्मा थेरेपी का जो सोच है ये है कि अगर किसी को पहले कोविड हुआ हो और उस अभी नॉर्मल है 6 हफ्ते से ज्यादा, उसका खून में कोविड के सामने, कोविड को मारने के लिए एंटीबॉडीज बन गया, नंबर ठीक है, तो उनका खून लेके उसका सिर्फ एंटीबॉडीज है ना, प्लाज्मा निकाल के हम दूसरे कोई पेशेंट को दे सकते हैं। तो इससे क्या है कि बनाया हुआ एंटीबॉडीज इसके सामने तैयार हम दे सकते, देखा है कि इससे कोई फायदा नहीं होता, तो कहीं अभी तो कोई भी देश नहीं है जिसमें ये देते, बार हमारे देश में थोड़े थोड़े जगह देते लेकिन अभी बहुत कम हो गया। आइवरमेक्टिन है, उससे कोई फायदा होता है, दूसरा है फैबी फ्लू, ये सब क्वेश्चन मार्क है, कितना कम करता है, कम करता है कि नहीं करता है वो भी बताना मुश्किल। अब नया नया आपने सुना होगा 2DG, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ये पुराना चीज है, ये कैंसर सब में यूज करते थे हम, ये कम से कम 25-30 साल पुराना। इसका जो इफेक्ट है वो ऑक्सीजन वायरस में से ले लेता है, तो वायरस को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वायरस अपने आप से मर जाता है, ये लॉजिक है। ये नया नया यूज हुआ, इसका क्या प्रॉमिस है, क्या निकलेगा इसमें से बोलना मुश्किल है, लेकिन अभी देखते क्या है। दूसरा है जो हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये बहुत पॉपुलर, यानी बहुत इसके बारे में बात हुआ था जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को हुआ था और उन्होंने ये लिया था, तो उनका जो वायरल लोड है एकदम से कम हो। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ये एक टाइप के वायरस को मारने के लिए आर्टिफिशियली मेड एंटीबॉडीज लेबोरेटरी में बना के फिर हम पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे वो उसको फायदा होता था। अभी अभी मुझे लगता है 8 हफ्ता हुआ, 10 दिन पहले इंडिया में गवर्नमेंट ने उसको छूट दे दिया, तो अभी लोग यूज करने लगे। तो इस ये सब जो चीज है ये मॉडरेट लेवल तक ठीक है, सीवियर जब कॉम्प्लिकेशन हो ना उसमें इतना काम नहीं करता। साथ में वायरल का लोड कम करने के लिए कोल्चिसिन करके जो गाउट के लिए देते थे एक गोली, वो अभी दे दो तो बोलते कि वायरल वायरस का लोड कम हो जाता है, वायरस मरना खत्म हो जाता है। इसके दूसरे सब जो बात है कि गार्गल करो आप गर्म पानी से, ये उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा है नहीं। तो ये है फर्स्ट फेज के लिए, तो उस टाइम तो आप फीवर को कंट्रोल करो, और अगर पेशेंट जो जिनको है कोविड उसके तकलीफ कम होते जाता है, फीवर बहुत बढ़ता नहीं है, 90-99-100 फिर क्रोसिन लेने से कम होता, तो इनके बारे में तो इनका 99% ये तो पाथ अच्छा रहे, तो 4-5 दिन रहता है फिर उसके बाद अपने आप से खत्म हो जाता है, फिर 2-5 दिन के लिए डायरिया या कुछ बॉडी एक ऐसा लगता है कि शरीर में ताकत कम है सर, तो वो थोड़ा दिन चलता है फिर ठीक हो जाता है।
दस दिन के बाद इनको धीमे धीमे नॉर्मल हो जाता है। ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म का जो फेज है, सेकेंड फेज जिसके बारे में, वो डेंजरस वाला फेज है, वो 10-15% के अंदर लोगों में होता है। उसमें से ऑक्सीजन टाइम से मिलने से और फिर स्टीरोइड स्टार्ट करने से, ब्लड थिनर, उनको पतला करने वाले जो दवाई है वो देने से, इनमें से भी 80-90% तो ठीक ही हो जाए, 2% को सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, उसमें से 1-1.5% 2% तक उनका फेटल भी हो सकता है, वो इस कोविड की वजह से जान भी जा सकती। तो ये है इसका पाथ। अब इसमें एकदम सिंपल तरीके से आपको समझना है तो इतना सिंपल है नहीं, इसमें थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसमें थोड़ा सोच होता है। ये मैंने एक बैकग्राउंड आप लोगों को दिया, ये बैकग्राउंड को लेते हुए आप अपने क्वेश्चंस मैडम के थ्रू या डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, तो मैं एक एक स्पेसिफिक कंडीशन में अपने नॉलेज के हिसाब से इसको बोलने को कोशिश करूँ। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब, कम से कम बहुत ही क्लियरली आपने लेआउट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इन चीजों के बारे में हम ज्यादातर लोगों को बहुत अच्छी तरह जानकारी नहीं है, क्योंकि कभी कभी बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन या कॉन्ट्रोवर्शियल इन्फॉर्मेशन आती है, कुछ चीजें लगातार बदल रही हैं तो समझ में नहीं आता। प्लाज्मा की बहुत एक चला था एक दौर, और अब प्लाज्मा के लिए ये कह रहे हैं कि बहुत इफेक्टिव नहीं है। इस तरह से कई बातें हैं जो हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये भी जान रहे हैं कि वैज्ञानिक को लेकर कितना मुश्किल है सबको धीरे धीरे अपने समझ के अंतर्गत लाना और ट्रीटमेंट को और इफेक्टिव बनाना। मैं सब लोगों से गुजारिश करूंगी कि जिनके भी जो सवाल हैं वो अपने को अनम्यूट करके सवाल शुरू करें, ताकि हम थोड़ा और जो आपके आसपास जो गुजर रहा है, मुझे पता है कम से कम हिमाचल में हम बहुत सारे परिवारों के साथ जुड़े हुए हैं जिनको की होम केयर में रखा हुआ है, जहाँ सारे परिवार के सदस्य कोविड पॉजिटिव हैं पर होम केयर में ठीक हो रहे हैं। तो आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं उनके बारे में, अपने परिवार के बारे में, मित्रों और अपने खुद के बारे में, क्योंकि हम में से कुछ लोगों को हुआ भी है, तो मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि जो भी कुछ पूछना चाहते हैं अनम्यूट करें, हाथ रेज कर लें, ताकि मैं उन लोगों को बुला सकूं सवालों के साथ। मैडम एक चीज आपने जो कहा वो सही कहा कि अभी भी हम सीख रहे हैं मैडम, तो प्लाज्मा थेरेपी के बारे में इतना बोलते थे, वो फर्स्ट जो वेव आया था उसके बाद उसका एनालिसिस किया तो पता चला कि वो ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता। अभी ये सेकेंड फेज में तो लोगों को पता चला इसका बिल्कुल फायदा नहीं, और उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत हो सकते हैं, क्योंकि जो ब्लड रिएक्शन और ये सब होता है। तो ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, ये पैंडेमिक का ये बड़ा प्रॉब्लम है कि आप उसको, उसके लिए सोल्यूशन आप धीमे धीमे नहीं ढूंढ सकते, उसके लिए सोल्यूशन हर एक आदमी भाग के ढूंढने लगे, तो उसमें शॉर्टकट्स हम काफी लेते हैं, तो इसकी वजह से एक बीच में एक फेज आता है कि ये दवाई बहुत काम करता है, फिर नीचे चले जाता है, फिर दूसरा कुछ आता है, तो ये एक अनटेस्टेड ना, तो कोई भी इसके बारे में पूरा टेस्टिंग किए बिना ही डाल देते हैं। जैसे ये वैक्सीन है, ये वैक्सीन कितना काम करेगा कि नहीं करेगा, कब तक काम करेगा, ये सब सोच जो आ रहा है, और कितने लोग हैं जो वैक्सीन से मना कर रहे हैं कि मेरे को वैक्सीन लेना नहीं क्योंकि उसका डेटा ठीक नहीं है, तो ये सब होने से लोगों के अंदर डाउट्स इतने आ जाते हैं, क्योंकि ये एब्सोल्यूट साइंस नहीं है, ये अभी सीख रहे हैं, और जैसे जैसे हमने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में हमारा लर्निंग है इतना काफी सुधर गया, जिसकी वजह से हम कॉम्प्लिकेशन अभी कम देख रहे हैं। अगर ये प्रॉब्लम नहीं होते ऑक्सीजन का और ये वो, तो हमारे डेथ रेट बहुत कम होता, तो ये दवाई ना मिलने से ये सब जो होते उसकी वजह से हमने ये देखा है। तो यस, अभी भी क्वेश्चन मार्क्स बहुत है, लेकिन प्लीज आपके क्वेश्चंस पूछ लो तो आई कैन ट्राई एंड आंसर।
अच्छा, तो एक प्रश्न आया है कि अगर आपको एक बार कोविड हो चुका तो आपके री इंफेक्शन के चांसेस क्या है? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई रेड. मैं दूसरा और तीसरा भी पूछ लूं ताकि आप एक साथ जवाब दें या एक एक प्रश्न का देना बेटर रहेगा. जैसे जैसे भी आप सोचो, आप बताएं. अच्छा चलिए इसके जवाब से शुरू. तो एक बार कोविड इन्फेक्शन आपको होता है तो फिर आपको वो इन्फेक्शन के लिए आपको डिफेंस यानी आपके एंटीबॉडीज तो बन जाते हैं और ये काम करता है 100 रफली इसका 180 दिन तक. उसके बाद आपके डिफेंस एंटीबॉडी लेवल्स वापस गिरने लगते हैं. ये दो टाइप के एंटीबॉडी IgG एंड IgM, ये दोनों धीमे धीमे एक पहले बढ़ता है दूसरा धीमे से बढ़ता है और वो कोविड के वायरस को पहचान जाता. लेकिन ये कोविड का वायरस भी थोड़ा होशियार है, वो अपना बदलता रहता है अपने आप को. तो उसके अंदर जो वेरिएंट आते हैं ना, जो इंडिया में हमने अभी देखा था, इंडियन वेरिएंट, सबसे पहले वेरिएंट जो आया था वो साउथ अफ्रीका में, फिर हमने यूके इंग्लैंड के अंदर एक वेरिएंट देखा. अब जो इंडियन वेरिएंट है वो सबसे रैपिड या आप एकदम आसानी से दूसरे के अंदर चले जाते हैं. तो वो स्प्रेड एक दूसरे एक आदमी से दूसरे आदमी बहुत जल्दी से चले जाते हैं. और दूसरा उसका देखा है कि वो सीवियर यानी उसके कॉम्प्लिकेशन खराब होते हैं. तो ये जो इंडियन वेरिएंट जो सेकंड फेज में हमने देखा है वो खराब है और पहले से ज्यादा डेंजरस है. लेकिन हमारा समझ ये डिजीज के लिए सुधर गया जिसकी वजह से हम कम देख. अगर आपको किसी को भी हुआ है कोविड तो थोड़े टाइम के लिए तो आप सेफ है ही. अगर दूसरी बार कोविड होता है, हो सकता है फिर भी कोविड, आपका अटैक कम होगा और आपका हॉस्पिटल जाने के चांसेस बहुत कम होते. लेकिन मेरा मानना है कि आपको कोविड हुआ हो तो भी वैक्सीन लेना जरूरी है क्योंकि लंबे टाइम तक आपका डिफेंस अच्छा रहेगा तो आप बच के रह सकते हैं उसके. एक और सवाल ये है कि एक आपको हो चुका कोविड, आप निकल आए उससे, तो क्या कोई डिफरेंट वेरिएंट जैसे कि आपने अभी बात करी वो वापस आपको इन्फेक्ट कर सकता है? और उसमें कोविड के वैक्सीनेशन की कितनी कामयाबी हम जान सकते हैं? ये कोविड का जो वेरिएंट नहीं हो सेम टाइप का कोविड भी आपको इन्फेक्ट कर सकता है लेकिन आपके डिफेंस मैकेनिज्म या एंटीबॉडी होने से आपके जो डिजीज है वो माइल्ड होगा. 100% नहीं बट इन 90% 95-98% ऑफ द केसेस. तो आपके कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम होते हैं. और वेरिएंट को भी अक्सर पहले किसी को कोविड हुआ तो वो भी कम होता है उसका इंसिडेंट, लेकिन पूरा निकालता नहीं क्योंकि वेरिएंट थोड़ा अलग है उससे. वैक्सीन लेने से आपके कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ही कम हो जाते हैं. फाइजर और मॉडर्ना वाले तो लोग बोलते हैं क्या 95% प्रोटेक्शन देता है अगर दो डोज लिए तो. और हमारा जो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन उसमें भी 75-80% तक का हमें प्रोटेक्शन मिलता है यानी बहुत अच्छा है. और ये दो डोज लेने के बाद हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज इतने बनते हैं कि वेरिएंट को भी वो दबा सकता है. इसीलिए हमारा देश का सोल्यूशन तो वैक्सीनेशन ही है. जैसे सब देशों में कि आप वैक्सीनेट कर दो सब लोगों को तो हो सकता है कि ये वायरस अपने आप से खत्म हो जाए और वापस नहीं आए. नहीं तो अभी जो किया है दिल्ली में क्या किया, हमने लॉकडाउन कर दिया. लॉकडाउन हमारे ये 4 हफ्ते से चल रहा है तो लोग एक दूसरे से मिलते नहीं है. जब एक दूसरे से मिलते नहीं है ये नहीं तो डिजीज ये वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं जाएगा तो वो नंबर गिरने लगते. अगर हमने ये खोल दिया और लोगों को एक दूसरे से मिलने दिया तो ये वायरस वापस किसी को जिसको है उसको उसमें से निकल के दूसरे में जाएगा. अगर हमने लोगों को वैक्सीनेट करके खोल दिया फिर लोग मिलने लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी ये है क्योंकि
हमारा जो दो डोज वैक्सीन का हमारे देश में 2% 2 to 2.5% लोगों में ये वैक्सीन दिया हुआ है। और आप दूसरे जगह देखोगे उसको क्या बोलते हैं सिंगल डोज, वो हमने 11% 12% लोगों में किया। हमारा ये जो पॉपुलेशन के ऊपर जो वैक्सीनेशन का जो लेवल है बहुत कम है अभी, उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। और वैक्सीनेशन करने से मेरा मानना है कि ये डिजीज कंट्रोल में। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आया है कि अगर मुझे कोविड हुआ है और मैं ठीक हो गई हूँ तो उसके कितने समय बाद वैक्सीन लेना चाहिए? सिम्टम यानी जो भी बुखार, बॉडी एक, ये वो जो है डायरिया, ये खत्म हो जाता है उसके मिनिमम 6 weeks to 8 weeks, यानी 6 हफ्ते से 8 हफ्ते के बाद। अब सब सिम्टम्स खत्म होने के बाद, शुरू जब हुआ था सिम्टम उससे गिनना नहीं है, किसी को 6 दिन के लिए रहता है, किसी को 20 दिन के लिए रहता है, तो 20 दिन जब खत्म हुआ सब कुछ उसके बाद से 6 हफ्ते गिनो, उसके बाद आप ले सकते फर्स्ट डोज, या आपने पहले एक और सवाल था कि अभी आप जो वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, पहला वैक्सीनेशन आपने लिया, फिर अभी सेकंड तो कई जगह पे अवेलेबल ही नहीं हो रहा है, तो 4 महीने का गैप चल रहा है। अगर आपने सेकंड ले भी लिया 4 महीने बाद, तो जो हमने सुना है, मैं करेक्शन और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाह रही हूँ, कुछ लोगों ने पूछा है कि हर 6 महीने में ये वैक्सीन लेने की बात भी सुनने में आई है, तो आप इसके बारे में थोड़ा और जानकारी देंगे कि अगर आपने 2 वैक्सीन ले लिए हैं और उसके बाद 6 महीने हो चुके, तो क्या आपको फिर से वैक्सीन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस इज ओनली फॉर 6 months, दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड, अदर पीपल हैव हर्ड एंड वी वांटेड अ क्लैरिफिकेशन ऑन दैट। सॉरी, मैं हिंदी में बोल दूं? हाँ, आप बताएं हिंदी में तो समझ में आ जाएगा सब। आपने दो क्वेश्चंस दो जी, इसमें एक तो गैप कितना होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ डोज खत्म हो गए इसलिए गैप बढ़ रहा है, नहीं तो आइडियल गैप तो 8 हफ्ते से 12 हफ्ते, जो डेटा हमारे पास इंग्लैंड और यूरोप से आया है, स्पेशली हम जो एमआरएन, जो हमारा जो एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, जो वायरस को एटेन्यूएटेड यानी जिसको आधा मार के हम जो वैक्सीन बनाते हैं उसमें से, वो जो वैक्सीन है उसमें 2 महीने से 3 महीने का अंदर 2 डोज लेना चाहिए, फर्स्ट डोज उसके 2-3 महीने के अंदर थर्ड मंथ में ले लेना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो उसके बाद कितना टाइम के बाद इफेक्टिव रहता है, तो ये तो किसी का भी गैस है, क्योंकि इसके बाद किसी ने इसके ऊपर डेटा नहीं किया, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है 3 महीने के बाद, वो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ले लेना चाहिए। अगर आप 2 डोज लेते हैं तो इनका मानना है कि एंटीबॉडीज 9 महीने से 12 महीने तक काम करेगी। ये आपका सेकंड क्वेश्चन, कितना 9 से 12 महीने, तो मुझे नहीं लगता कि 6 महीने में आपको बूस्टर लेना होगा, आपको 9 से 12 महीने में, अगर कभी भी कोविड ऐसे ही चल रहा है तो ये बूस्टर डोज जो है उसके लिए हम लोग तैयार होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि 1-1.5 साल में ये जो वायरस है कंट्रोल में पूरा आ जाए, तो बूस्टर डोज के लिए 9 महीने से 1 साल के अंदर सेकेंड डोज के, दूसरे डोज के बाद तैयार होना चाहिए। एक अगला सवाल है डॉक्टर, कि जिन लोगों ने 1 वैक्सीन लिया है या 2 ले चुके हैं उनकी भी डेथ के इंफॉर्मेशन आ रही है, तो अभी वो कितना सच में इफेक्टिव है? लोगों के मन में अब डर हो गया है वैक्सीन लेने से, और कई लोग वैक्सीन लेने से घबरा रहे हैं, और ये सवाल पे मैं बात कर लेती हूँ, आपसे पूछ लेती हूँ, उसके बाद एक और सवाल है वो बाद में पूछ लेती हूँ। नहीं, ये बात सही है आपने कहा कि वैक्सीन लेने से 100% आपको बचाता है, लेकिन आपको काफी बहुत हद तक बचाता है। अगर जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया और जिन्होंने वैक्सीन लिया उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अभी इसका तो डेटा मैं आपको दे सकता हूँ, हमारा ही हॉस्पिटल जो फोर्टिस ग्रुप है और
अपोलो और गंगाराम एम्स के लोगों ने अपना ही डॉक्टर और नर्सिस के अंदर जो डेटा है, जिन्होंने दोनों वैक्सीन लिए थे, दो वैक्सीन लेने के बाद नसीब से हेल्थ केयर वर्कर, जो फ्रंट लाइन वर्कर जो हर रोज कोविड को देखते, कोई डेथ नहीं हुआ। हालांकि हुआ है कोविड बहुत लोगों, लेकिन उनको माइल्ड कोविड हुआ था, यानी जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थे। और दूसरा जिनको थोड़ा ऑक्सीजन भी देना पड़ा, वो आईसीयू में मास्क पे ऑक्सीजन चलाया उनका 10 दिन, फिर वो घर चले गए, तो वो रिकवर हो गए। उसके बाद भी डेथ होता है, लेकिन बहुत कम होता है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया उनके कंपैरिजन। और ये 19-20 का नहीं है, ये बहुत ज्यादा फर्क है। इसीलिए मैं तो सबको सबको आग्रह करूंगा, आई अर्ज एवरीवन कि प्लीज आप वैक्सीन जरूर ले, दोनों डोज ले लो, तो आप 100% तो नहीं बट काफी कुछ बच के रहो। एक और सवाल है कि जिन्हें हो गया है, उन्होंने वैक्सीन भी ले लिया है, वो कितना इन्फेक्शन हो सकते हैं बाद में? क्या वो लोग भी इन्फेक्शन हो सकते हैं? और उसके साथ एक और जुड़ा हुआ सवाल है जो ये लगातार चल रहा है कि नॉन सिम्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव, अब उसको, उसके बारे में आप अगर कुछ राय दें कि ये कैसे इसको हैंडल किया जाए, कौन नॉन सिम्टोमेटिक है और पॉजिटिव है, इसके बारे में भी बहुत कंफ्यूजन है। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, वो कितने देर तक कोई आदमी इन्फेक्शियस रहता है एक बार कोविड पॉजिटिव हो गया, तो यानी एवरेज 10 दिन पकड़ो, 10 से 12 दिन, यानी 15 दिन के अंदर आदमी दूसरे आदमी को कोविड नहीं दे सकता। उसका साइकिल हमारे शरीर में कोविड वायरस का साइकिल 9 से 10 दिन, उसके ऊपर आप 5 दिन दे दो, उसके बाद आदमी बहुत सेफ है। वो कोविड पॉजिटिव भी निकलता है क्योंकि उसके शरीर नाक में वायरस, वो आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकता। मैंने कहने का मतलब कि आज किसी को कोविड हुआ, आज से 15 दिन के बाद वो सब कुछ कर सकता है। तो व्हाट वाज़ द सेकंड क्वेश्चन यू सेड, वैक्सीन, सॉरी यू विल हैव टू रिपीट दैट सेकंड क्वेश्चन मैडम, आपने सेकंड क्वेश्चन क्या कहा? कि जो नॉन सिम्टोमेटिक लोग हैं वो फैला सकते हैं, इस बारे में लोग बहुत ही परेशान है कि कैसे ये मालूम हो कि कौन नॉन, एनी वन ऑफ अस इज नॉन सिम्टोमेटिक। हाँ, वो पता ही नहीं चल सकता है। ये हम टेस्टिंग कब करते हैं? जब घर में या किसी दोस्त के पास जिसको हम मिलने गए थे और उनको कोविड हो गया और हमने प्रिकॉशन नहीं उधर देखे, हमने मास्क नहीं पहना, हमने थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया। तो अगर ऐसे ग्रुप में घर के अंदर किसी को होता है तो दूसरे लोगों को अक्सर टेस्ट करना जरूरी है। और इन लोग में से काफी लोग कोविड पॉजिटिव होते हैं बट उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये अक्सर हमने देखा है कि यंगर, यानी जो एज में कम है, जिनको उम्र कम है, उन लोग में होता है कि उनको सिम्टम्स कुछ होते नहीं है, थोड़ा सर्दी हो गया और फिर उनको कोविड निकल जाता है, लेकिन वो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं उनके 10 दिन 12 दिन में, उनको जब ये प्रॉब्लम। तो ये कोविड में बहुत ही डेंजरस, बहुत ही डरावना चीज है कि वो लोगों में कोविड के कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आदमी को कोविड है और वो दूसरे को दे सकता है। इसीलिए जब भी हम किसी को जिसको हम बिल्कुल नहीं पहचानते, जो हमारे साथ रहता नहीं है, तो उसके साथ मास्क पहनना जरूरी है और उसको भी बोलना जरूरी है कि आप भी प्लीज मास्क अपने नाक के ऊपर और चिन तक लगा कर जब बात करते हो, और थोड़ा दूरी रखना चाहिए। ये एक सवाल है प्रकाश जी का कि किस जगह पे एक नागरिक होने के नाते मुझे एक एक्यूरेट और जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिले ताकि मैं कंफ्यूज ना हूं। एक इशू है कि कहीं से कोई कुछ व्हाट्सएप पे आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है और काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन में हम क्या करें क्या नहीं करें।
तो क्या सबसे अच्छा जेन्युइन सोर्स है एक्यूरेट और जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने का? तो बता ही रहे, तो आप तो बहुत ही बड़े सोर्स हैं। नहीं नहीं सर, आपके लिए तो ऐसे सोर्सेस तो मैं जो इंडिपेंडेंट सोर्सेस जो क्लियर कट इंफॉर्मेशन देता है वो है WHO। वो अपना वो थोड़ा टेस्टिंग और ये सब होने के बाद ही देता है, 100% वो भी एक्यूरेट नहीं है। फिर एक CDC करके जो अमेरिकन गवर्निंग बॉडी है, वो उसके जो ओपिनियन है वो काफ़ी रिलायबल होते हैं। ऐसे इंडियन थोड़े हैं जो अब रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक निकाला था पेपर और एम्स वालों ने एक पेपर निकाला था जो काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये एक डेवलपिंग साइंस है, ये हर रोज का थोड़ा चेंजेस हो सकता है। तो ये जब चेंजेस होते हैं वो स्पेशलिस्ट को पता चलता है, फिर वो बाद में जब बताते हैं तो आपको लगता है पहले उन्होंने ये कहा था अभी वो दूसरा कुछ कह रहे हैं। तो ये क्योंकि ये कुछ एस्टैब्लिश नहीं है, ये एक्सपीरियंस के हिसाब से और एविडेंस के हिसाब से ये थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं आगे चल के। तो इससे हमें रेगुलरली अपना नॉलेज अपडेट कराना जरूरी है। ऐसे नहीं है कि पहले जो सुना था वो झूठ बोलते थे, नहीं वो उस हिसाब उस टाइम के जो इंफॉर्मेशन था उसके हिसाब से ठीक बोलते थे। अभी जो है हम थोड़ा और सीख गए, हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़ गया, तो हमारा इंफॉर्मेशन थोड़ा और आ गया। व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करो, आप ऐसे साइट्स पे जाओ जिसमें सीरियस डिस्कशन होता हो। ये जो मैंने बताया ऐसे काफ़ी हैं साइट्स जिसमें से आप WHO मेरे हिसाब से इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, उसको आप देख सकते हैं एंड वी कैन फॉलो दैट। एक और सवाल है, महिला साथी ने पूछा है कि मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लक्षण हैं, उनको स्वाद नहीं आ रहा, स्मेल नहीं आ रही, शायद बुखार भी हो, मुझे पूरा नहीं मालूम, पर वो लोग उन्होंने क्या करा इन लक्षणों को देखते हुए, कहीं से जाकर 5 दिन की अपनी दवाई अपने आप ले आए पर वो टेस्ट नहीं करा रहे। इस हालात में आपको आपकी क्या राय होगी और किस तरह से उनको ये कहा जाए कि वो टेस्ट कराएं, क्योंकि बहुत लोग टेस्ट कराने से डर रहे हैं। डरना क्या है, टेस्ट कराने से पता चल जाए कि मेरे को कोविड है तो मैं दूसरे को बचा सकता हूँ, मैं खुद का भी ट्रीटमेंट ढंग से कर सकता हूँ। तो हाँ, लोग नहीं कराते, महंगा भी है और टेस्ट का डेट टाइम भी थोड़ा लंबा लगता है कि कभी कभी 1 दिन 2 दिन लगते, तो इसकी वजह से लोग कराते नहीं है। मेरा मानना है कि टेस्ट कराना चाहिए, टेस्ट 100% नहीं है, हमें हमारे सिम्टम्स पे जाना है, हमारे जो प्रॉब्लम है उस पे जाना है। अगर आपको बुखार आता हो, में दर्द हो और आपको ऐसा लगता हो वीकनेस जैसा, स्मेल आपका निकल गया हो, खांसी हो, डायरिया हो, तो ये सब उसी तरफ दिखा रहे कि आपको कोविड हो सकता है। तो आप पहले से ही प्रिकॉशन लेना चाहिए कि आप एक आइसोलेट कर दो, एक रूम में चले जाओ, जो भी आपको मिलने आता है तब आप भी मास्क पहनो और वो दूसरे भी मास्क पहने, और कॉमन एरिया में आपको नहीं जाना चाहिए। तो ये जो आपके नेबर है वो ठीक नहीं कर रहे, उनका टेस्टिंग होना चाहिए और उसके बाद वो सीरियसली, ऐसे ही दवाई तो क्या लेना है, डेंजरस है ये तो, कोई डॉक्टर को बोल के ही दवाई लेना चाहिए। ये कौन सा पेशेंट वो सेकेंड फेज में जाएगा, साइटोकाइन स्टॉर्म में जाएगा, वो तो पहले से थोड़ी लिख के आता है, तो उसको देखने के लिए एक फिजिशियन का जरूरी है और वो चेक करेगा आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, आपका एक्सरे, सीटी स्कैन, वो सोचेगा कि नहीं अभी ऑक्सीजन का जरूरत है। ये याद रखो, हमारे जैसे 2 किडनी है ऐसे हमारे 2 लंग है, 2 फेफड़े के 2 हिस्से, राइट लंग लेफ्ट लंग। तो जैसे एक किडनी को हम डोनेट करते हैं तो उससे हमारा फंक्शन, किडनी का फंक्शन खराब नहीं हो जाता, क्योंकि एक किडनी पे हम जी सकते हैं। वैसे ही लंग का, एक लंग चले जाएगा फिर भी हम जी सकते हैं। तो हम जब ऑक्सीजन का सैचुरेशन देखते हैं घर पे बैठ के, उसी पे अगर अकेले पे हम पूरा भरोसा करेंगे तो हम गलती कर रहे हैं। हमारा लंग
परसेंट 60% जब तो पूरा बिगड़ गया हो, तब तक हो सकता है कि हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 के ऊपर हो, तो उससे हमको मिसगाइड हो जाता है। हमने सोच रहे कि नहीं नहीं इसका तो 95 के ऊपर है, इसको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तो ठीक ही हो जाएगा। तो जब 95 से 90 जाएगा, 90 से 80 जाएगा, क्योंकि ये लंग खराब है, तो अकेला सैचुरेशन पे, अकेले फीवर पे, अकेले इंफ्लेमेटरी इंडाइसिस, अकेले ये सब चीज पे नहीं जा सकती, कलेक्टिवली देखना पड़ता है। और इसको समझने के लिए एक फिजिशियन, एक डॉक्टर का जरूरी है, ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एक सिम्टम पे हम नहीं टिक सकते कि मेरा ऑक्सीजन लेवल तो ठीक है, तो बाकी चीजें अगर हम उस पर ध्यान न दें। दो तीन अलग अलग सवाल हैं, एक इंटरेस्टिंग सवाल है जो कि शायद अलग एज अ डॉक्टर आप क्या सलाह देंगे कि बच्चे घर में बंद होने की वजह से बहुत फ्रस्ट्रेटेड और कभी कभी डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, और पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है उनको हैंडल करना, तो आपको क्या लगता है किस हद तक ये सेफ है कि बच्चे साइकिलिंग कर सकें, थोड़े बाहर जाएं और दूसरे बच्चों के साथ थोड़ा आपस में कुछ खेल वगैरह कर सके, तो क्या ये सेफ होगा या अभी आपको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए? ये जो साइकोलॉजिकल हमने देखा है कोविड के साथ, इसके इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, सिर्फ बच्चे में नहीं है, बुजुर्ग में है, मिडिल, सब लोगों में है। एक तो काम करने का टाइम बदल गया है, लोगों का काम करने को मिलता नहीं है, तो ये साइकोलॉजिकल इसका जो इम्पैक्ट है वो तो दैट इज ट्रेमेंडस, और बच्चे में तो खास करके है ही, आपने जो कहा वो। किसी को भी बाहर वॉक करना हो, बच्चे हो, साइकिलिंग करना हो, बाहर घूमना हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने मास्क पहना है या फिर कोई है नहीं उधर, आपने मास्क निकाल के रनिंग या साइकिलिंग कर रहे हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब दूसरे आदमी, दूसरे किसी को मिल रहे हो और वो पास में है, खड़े रह के उससे बात कर रहे हो, तब मास्क पहनना बहुत जरूरी है। अकेले में आप गार्डन में या ग्राउंड के अंदर भाग रहे हो तो उसमें तो कोई मास्क पहनना जरूरी नहीं है, और वो सब बंद भी करना नहीं चाहिए, उससे डरना भी नहीं है। ये हवा से नहीं आ रहा है, इतना दूर से नहीं आएगा, ये पास में आ रहा है, ये एरोसोल जो बोल रहे लोग, एरोसोल जिससे होता है वो ओपन में नहीं होता, ये अंदर बंद कमरे में जहां पे दो चार कोविड के पेशेंट हो और वो हवा में बहुत ज्यादा कोविड के वायरस घूमते हो, तो वो एरोसोल हो सकता है। आपको बाहर गार्डन में ये सब नहीं होना है, तो बच्चे को बाहर साइकिल करना, दौड़ना, खेलना, वो सब ठीक है। प्रॉब्लम ये आता है कि जब बच्चे एक दूसरे के साथ बैठ के खेलते हैं, वहां पे एक बच्चे से दूसरे बच्चे में हो सकता है, ये तो इन्फेक्शन हो सकता है, और बच्चे में अक्सर ये ज्यादा प्रॉब्लम करता नहीं है। हालांकि ये सेकेंड वेव में हमने बच्चे में भी देखा, लेकिन फिर भी कम है। ये जब घर जाते हैं तब दूसरे को कर सकते, तो ये एक डेंजर है। तो साथ में खेलने का जो है, पास पास में आके खेलने का, उसमें थोड़ा संभालना पड़ेगा। अगर वो करना है तो मास्क पहनकर खेलना जरूरी, बच्चे भी हो तो भी मास्क पहनना चाहिए, दूसरे बच्चे के साथ जब खेलते हो पास में आते हो तब मास्क पहनना जरूरी है। अगर दूर फुटबॉल है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, उसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं, इसमें वी डोंट हैव टू बी सो नीडिंग टू टेक सो मच प्रिकॉशन। और मेरा मानना है कि बच्चे, हम लोग सबको बाहर जाना चाहिए, वॉक के लिए जाना चाहिए, अगर कोई रन करता है तो उसको मास्क पहनना जरूरी नहीं, जब रनिंग उसका खत्म हो जाता है तब मास्क पहनना, अब लोगों से बात करना तो मास्क जरूर पहन कर, थोड़ा दूर एक दूसरे से खड़े रहना, उसके सिवा और कुछ ज्यादा करना जरूरी नहीं, ऐसे प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, डरना जरूरी है। मुझे लगता है ये बहुत ही आवश्यक है कि लोग बहुत डर गए, और डर से एक इम्यून सिस्टम पर भी इम्पैक्ट पड़ता है और दूसरों की मानसिक स्थिति पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति को डर है तो वो इन्फेक्शियस हो जाता है कि सबको डर लगने लगता है अगर वो उसके बारे में लगातार बात करती रहे या करता रहे। दो सवाल आए हैं जो शायद किसी हद तक आप शायद एक के बाद एक दे सकते हैं। एक तो कुछ लोग, एक सवाल है कि फाइब्रोसिस क्या होता है लंग में, फाइब्रॉइड, और दूसरा ये है कि ये जो ब्लैक फंगस है, और अब तो व्हाइट फंगस की भी बात चली, ये थोड़ा अगर आप समझा दें
कि इसके कारण क्या है। और एक तीसरा सवाल है कि जिनको भी जो थोड़े क्रिटिकल हैं, ऑक्सीजन लेवल जिनका काफी कम है, उनके उनको जो ये दिया जाता है स्टेरॉइड, उससे उनकी शुगर लेवल बढ़ जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? तीन बहुत अलग अलग सवाल हैं डॉक्टर साहब। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइब्रोसिस। अभी कोई भी हमारे शरीर में कोई भी अंग को अगर चोट पहुंचाता है, कुछ भी चोट होता है, तो उसका जो रिपेयर हीलिंग जो शरीर करता है वो फाइब्रोसिस से करता है। ऐसे लंग में भी ये होता है, और लंग में जब फाइब्रोसिस होता है तो ये खराब सिचुएशन है, क्योंकि ये रिवर्स नहीं होता, वो नॉर्मल नहीं हो सकता। कभी कभी कोविड की वजह से, साइटोकॉम स्टॉर्म की वजह से उधर ब्लॉकेज हो जाता है, और उसमें हमको स्टीरॉइड देना पड़ता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो लंग में हो जाता है, उसके उसको खत्म करने के लिए शरीर उधर फाइब्रोसिस क्रिएट करता है। और ये फाइब्रोसिस हो गया, लंग का जो एल्वेलाय होता है, छोटे छोटे थैले होते हैं जिसमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेते हैं हम और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, अगर वो थैले पूरे फाइब्रोसिस में फंस जाते तो फिर वो काम नहीं कर सकते, तो वो एक डेंजरस सिचुएशन है। ये फाइब्रोसिस से हमें बचना जरूरी है, और ज्यादा अगर फाइब्रोसिस है तो बढ़ना नहीं चाहिए, उसको बचाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म है इसका प्रॉब्लम, लॉन्ग लंबे टाइम तक चलता है। कभी कभी ये फाइब्रोसिस कम हो जाता है धीमे धीमे, कभी कभी ये फाइब्रोसिस वैसे का वैसे ही रहता है, तो जो पेशेंट है वो अक्सर उसको ऑक्सीजन लेना पड़ता है। ये एक फाइब्रोसिस का बॉडी का रिस्पॉन्स है, जिससे हम हीलिंग यानी इट्स अ रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द वायरस, टू द इन्फेक्शन। पूछा ब्लैक फंगस, ये जो फंगस है ये तो सब जगह है। अभी जब बात कर रहे हैं, आप बैठ रहे, नाक में है, कान में है, सब जगह फंगस तो होता ही, लेकिन जब हमारा डिफेंस, हमारा जो शरीर का जो एंटीबॉडी लेवल है वो एकदम कम हो जाता है। वो क्यों कम होता है? वो कम होता है क्योंकि हम कोविड इन्फेक्शन है, और ये कोविड इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, तो उससे बचने के लिए ये साइटोकाइन स्टॉर्म जो मैंने कहा था सेकेंड फेज वाला, उसको कम करने के लिए हम स्टीरॉयड देते हैं, और स्टीरॉयड काफी हाई लेवल पे देते हैं, तो इससे हमारा खुद का डिफेंस, हमारा खुद का एंटीबॉडी लेवल दब जाते हैं। कोई पेशेंट्स को ऐसे आपने सुना होगा, रीनल ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद स्टीरॉयड देना पड़ता है, और ऐसे दवाई देना पड़ता है जिसको, जिससे हम डिफेंस, हमारा जो शरीर का रिजेक्शन करने वाला चीज वो कम हो जाता है। हम डिफेंस को हम प्रतिरोधक शक्ति कह रहे हैं ना, हमारी कितनी हमारी ताकत है उसको रोकने की, जिन लोगों को इंग्लिश में दिक्कत है। यू कैन इंटरप्ट मी एवरी टाइम। तो ये जो हमारा कम हो जाता है, उसमें ये फंगस जो है वो घूमते फिरते इधर आ जाते हैं, और इधर कोई उनको मारने वाला है नहीं, तो धीमे धीमे उनका नंबर बढ़ने लगता है। हमारे नाक में शुरू होता है कोविड केस में, नहीं तो कहीं पे भी शुरू हो सकता है, लेकिन फंगस अक्सर देखो तो इधर नाक में से, फिर क्योंकि नाक और आंख के बीच में कनेक्शन है तो उसमें से आंख में जा सकता है, और आंख और नाक के पीछे ही हमारे ब्रेन होता है, तो उधर से वो ब्रेन में भी जा सकता है। तो ये जो फंगस है वो ब्लैक दिखता है, क्योंकि वो जब बड़ा होता है तो वो टिश्यू जो हमारे शरीर का जो अंग उसको मार डालता है, तो वो काला दिखने लगता है, तो ब्लैक फंगस है। दूसरे जो वाइट सीक्रेटिंग फंगस है एल्बिकांस, वो इतना ज्यादा दिखते नहीं है, वो वाइट फंगस है, वो कम है, बहुत कम है। ब्लैक फंगस क्यों ज्यादा बढ़ गए? क्योंकि एक तो स्टीरॉयड और ये वो, कोई पेशेंट में स्टीरॉयड काम नहीं करता, तो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमको दवाई देना पड़ता है। तो ये टॉसिलिज़ुमैब आपने सुना होगा, ये महंगा इंजेक्शन है, जिससे हमारा पूरा डिफेंस बैठ जाता है। अब ये देते हैं क्योंकि हमारा वो साइटोकाइन स्टॉर्म जो बोलते हैं वो दब जाए, तो ये देने से दूसरा साइड इफेक्ट यानी इसके गलत जो असर होता है वो ये है कि फंगस अब राजा हो जाता है, वो नंबर में बढ़ने लगता है,
बैक्टीरिया भी बढ़ने लगते हैं। तो फंगस का जो प्रॉब्लम है कि वो जब कोई चीज को खत्म कर लेता है तो फिर वो पूरा शरीर के पार्ट को निकालना पड़ता है। जैसे आंख में चले जाए तो आंख को निकालना पड़ता है, और ब्रेन में चले जाए तो आप सोच सकते हैं इसमें कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। तो इसके लिए एंटी फंगल जो दवाई है वो साथ में देना पड़ता है, और ये एंटी फंगल एम्फोटेरिसिन बी के कोई वेरिएंट्स है, बट वो देने पड़ते हैं, और उसका इफेक्ट अच्छा रहता है। लेकिन उन लोग के साइड इफेक्ट्स बहुत है, जैसे एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। तो आप देखो, एक कोई पेशेंट जो वेंटिलेटर पे है उसको हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, उसको हम एंटी फंगल दे रहे हैं, उसका किडनी लिवर पे बहुत साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, और इसकी वजह से पेशेंट का जो अंदर का जो ताकत है वो धीमे धीमे कम होने लगता। तो ये एक ब्लैक फंगस का स्टोरी है। अब देखो क्यों ज्यादा होता है जिनको हम वेंटिलेटर पर, क्योंकि उनका जो पानी होता है, जो ट्यूब्स होते हैं, आपने सुना होगा कि एक कोविड पेशेंट जो वेंटिलेटर पर है वो दूसरे कोविड, अगर वो ठीक हो गया या एक्सपायर हो जाए तो चले जाते हैं, तो फिर दूसरे पेशेंट में इमीडिएटली थोड़े टाइम में डालते, क्योंकि हमारे पास वेंटिलेटर कम है पेशेंट ज्यादा है। तो जब ऐसा होता है तो वेंटिलेटर को साफ करने का, पूरा उसका अंदर से साफ करने का वो टाइम ही नहीं है। वैसे ही आईसीयू साफ नहीं हो सकते तब, जब आपके पास 80-80 पेशेंट हो और एक आईसीयू में भर के लोग है, और आईसीयू जैसे एक खाली होता है दूसरा एक पेशेंट आ जाता है, तो उसमें आपके पास टाइम ही नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये फंगस के इन्फेक्शन और हो सकते। लोगों ने कहा है कि ये जो ऑक्सीजन आ रहा है वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है, वो इतना प्योर नहीं है जितना मेडिकल ऑक्सीजन होता है, उससे भी हो सकता है। दूसरा है कि हमारे ट्यूब्स है वो साफ नहीं है। तीसरा है जो पानी हम यूज करते, जब भी हम ऑक्सीजन देते हैं तो उसमें हम पानी के अंदर से लेते हैं तो थोड़ा हाइड्रेट हो जाता, थोड़ा लंग के लिए ठीक रहता, नहीं तो बहुत ड्राई होता है। तो ये जो पानी होता है जिसके अंदर से निकलता है वो साफ नहीं होता, वो हर रोज का साफ करना चाहिए। कोविड के वार्ड में आप जाओ तो इतने लोग हैं नहीं, नर्सिस के ऊपर काम बहुत ज्यादा हो जाता है, लोगों का बिस्तर के कपड़े वो सब चेंज नहीं होते। तो ये सब देखते हुए कि हमारे सेकेंडरी इन्फेक्शन के जो रेट वो बहुत बढ़ने लगे, फंगस हो या सेप्टिसीमिया हो जो बैक्टीरियल के वजह से, तो ये हमारा एक प्रॉब्लम। फंगस के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो जब कोई चीज में चले जाता है वो हिस्से को निकालना पड़ता है, अगर उसको रहने देते तो वो क्योर नहीं होता है। तीसरा आपने पूछा है स्टीरॉयड, मैंने पहले भी बताया था आपको कि स्टीरॉयड बहुत जरूरी चीज है अगर कोई सेकेंड फेज में जाता है, जो उसको साइटोकाइन रिलीज है, अगर ये साइटोकाइन जो शावर है जो थोड़ा थोड़ा है वो बढ़ के साइटोकाइन स्टॉर्म होना, तो जिसमें सब कुछ उसके प्रॉब्लम्स होते हैं, लंग में फाइब्रोसिस होते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगा, वेंटिलेटर पे पेशेंट जाना चाहिए, उसको बचा उससे बचने के लिए हमको स्टीरॉयड देना पड़ता है। स्टीरॉयड बहुत हाई डोज में, स्टीरॉयड के दो मेजर साइड इफेक्ट्स है, बहुत सब साइड इफेक्ट्स है लेकिन दो मेजर है। एक तो आपका डिफेंस कम कर देता है जिससे आपको ये फंगल इन्फेक्शन, ये सेप्टिसीमिया, ये सब हो सकता है। दूसरा ये है कि आपके जो ग्लूकोज है, डायबिटीज है, वो शुगर आपके खून में बढ़ सकता है। ये अक्सर देखा है प्री डायबिटिक्स, यानी जो डायबिटीज की तरफ जा रहे हो लेकिन है नहीं एस्टेब्लिश्ड, बट प्री डायबिटिक है, और जो डायबिटिक है उन लोग को दिखता है। तो प्री डायबिटिक्स में आप स्टीरॉयड देते तो आप 250-300 हो जाता है ब्लड शुगर, जो नॉर्मली 110-120 होना चाहिए, और डायबिटिक्स में तो 400-450 तक देखा है। तो इससे उनका ओवरऑल डिफेंस और भी कम हो जाता है, तो उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनमें किडनी पे और लिवर पे जो साइड इफेक्ट्स होता है इतना ब्लड शुगर का वो भी होता है। तो इससे इसको कम करने के लिए इंसुलिन देना पड़ता है, और ये इंसुलिन को टाइट्रेट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन जैसे ब्लड शुगर कम होता है तो उसको कम देते हैं, और धीमे धीमे ओरल जो डायबिटीज के लिए जो दवाई होता है वो उस पर स्टार्ट करता है। ये एक कॉम्प्लिकेशन है स्टीरॉइड का, और ये डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है।
डॉक्टर साहब, एक और सवाल आया, मुझे लगता है वो बहुत ही लोगों को परेशान कर रहा है कि अगर कोविड से किसी भी मित्र की, परिवार के सदस्य की, अपने कलीग किसी की भी डेथ होती है, तो उसकी बॉडी क्या कोविड पॉजिटिव होती रहती है, और उसको हाथ लगाने से, उसको उठाने से, उसकी दाह संस्कार करने या उसको दफन करने में क्या कोई खतरा होता है परिवार के लोगों को, या जो भी कर पा रहे हैं? नहीं, जो पहले हम सोचते थे कि बॉडी के क्या उसको बोलते हैं, स्वेट और इसमें से जो निकलता है कोविड के, हो सकता है वो अभी कम है, तो ये तो लॉजिकल है कि जो आदमी जी नहीं रहा है तो उसके अंदर सांस नहीं है, वो खांसने नहीं वाला है, लेकिन उसके सरफेस पे तो कोविड होता है ना, उसके बॉडी के सरफेस पे तो कोविड होता है, तो उनको डायरेक्टली टच करने से तो मैं मना करूंगा, उसके साथ ग्लव्स पहनना जरूरी है। ये डिबेट है, पीपी किट आप फ्यूनरल में ले जाते हो तब जरूरी है, मेरा मानना है कि अगर वो जो लोग उधर काम कर रहे हैं उनके लिए तो जरूरी, जब कोई एक हमारे रिलेटिव कम जब लेके जाते हैं, पीपी किट ये सब जरूरी नहीं है, मास्क पहनना बहुत जरूरी है, और फिर आप बॉडी को टच कर सकते हैं ग्लव्स के साथ, और ग्लव को फिर निकाल देना, उठा सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। डेड बॉडी में से कोविड सांस में और उसमें से तो नहीं आते हैं, लेकिन जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उसमें कम होता है, लेकिन होता है, और सरफेस पे, क्योंकि ये पेशेंट्स ऐसे जगह से आए जहां पे कोविड के वायरस बहुत है, तो उस बॉडी के सरफेस पे कोविड के वायरस होते हैं और काफी लंबे टाइम तक वो जी सकते हैं, तो उससे बचना जरूरी। ज्यादातर लोग उसको प्लास्टिक में रैप्ट होती है बॉडी पूरी, ज्यादातर लोग तो उसको निकाल के ही क्रीमेशन करते हैं, तो वो उसको लगता है थोड़ा डेंजरस हो सकता है, पर मान लीजिए 5-6 घंटे हो, उसके बावजूद वो डेंजरस होगा? हाँ, देखो इसका कोई ने लॉन्ग टर्म स्टडीज तो की नहीं है कि वायरस कितना टाइम तक, क्योंकि बॉडी द पर्सन इज डेड, आदमी जीता नहीं है, लेकिन उसके टिश्यूज में तो ग्रोथ हो सकता है वायरस का, तो प्रोटेक्ट करना अपने आप को बहुत जरूरी है, और 5 घंटे कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बैक्टीरिया तो डेड बॉडी पे ग्रो कर ही रहे, वायरस तो ग्रो करेगा, फंगस भी तो ग्रो कर रहे, ऐसे नहीं है कि ये डेड बॉडी पे कुछ ग्रो नहीं कर सकते, आदमी जीता नहीं है मैं ये मानता हूं, लेकिन डेड बॉडी के टिश्यूज जो है उस पे तो ग्रो कर सकता है, तो उससे प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ये 5-6 घंटे का टाइम जो दे रहे हैं, जब आप बॉडी को हाथ लगा रहे हो तो प्रोटेक्ट करके ही करना चाहिए, बिना प्रोटेक्शन के नहीं। एक सवाल और आया है कि क्या आप मिक्स्ड वैक्सीनेशन ले सकते हैं? आपने फाइजर लिया और उसके बाद आपने मोडर्ना ले लिया, या आपने कोवैक्सीन लिया, तो क्या आप ऐसी मिक्स कर सकते हो वैक्सीन को कि जो पहली बार लिया है दूसरी बार उसी को लेना एकदम सही होगा? जो स्टडीज है वो तो सेम वैक्सीन, जो डेटा आया हमारे सामने वो तो सेम कंपनी का, सेम मैन्युफैक्चरिंग है, कोविशील्ड लिया तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन लिया तो कोवैक्सीन, वो ही लेना चाहिए, लेकिन इंग्लैंड में थोड़ा उन लोग ने देखा था कि मिक्स करने से क्या होता है, क्योंकि उसके हमारा कोविशील्ड और कोवैक्सीन के तो मैकेनिज्म तो सेम है, ऑलमोस्ट अटेन्यूएटेड वायरस, यानी दबाए हुए वायरस को अंदर शरीर में डाल के उसके सामने हम एंटीबॉडीज बनाते हैं, लेकिन जो फाइजर है, मोडर्ना है, वो एमआरएनए के रूट से जाते हैं, तो लोगों का ये बोलना है कि वो दोनों मिक्स करे तो, बट लेकिन उसके नंबर्स नहीं आए, उसके डेटा हमारे सामने आए नहीं, तो मेरा मानना है कि जब तक डेटा नहीं आता है तब तक मिक्स नहीं करना चाहिए, वही वैक्सीन वही कंपनी का लेना चाहिए दो बार। एक सवाल ये है कि क्या बच्चों से, जो बच्चे पॉजिटिव हो रहे हैं, कभी सुनने में आ रहा है, क्या उनसे एडल्ट्स को होगा, हो जाएगा, या एडल्ट्स कैन बी प्रोटेक्टेड, दैट चिल्ड्रन कैन नॉट इन्फेक्ट एडल्ट्स? नो नो, चिल्ड्रन कैन एंड विल इन्फेक्ट अडल्ट, तो देर वायरस गोइंग फ्रॉम बच्चे में से एडल्ट में जाने के लिए कोई उसको प्रॉब्लम नहीं, तो अगर बच्चे को हुआ है कोविड तो फिर उसको आइसोलेट करना, मुश्किल है जब छोटे बच्चे होते हैं, मैंने अभी
हमारे एक कॉलीग से मैं बात कर रहा था, वो मेरे को बता रही थी कि न्यू बॉर्न यानी नए अभी अभी जो पैदा हुआ है वो बच्चों में भी मदर को अगर कोविड है तो हो सकता है कोविड। उनको सिम्टम बहुत ज्यादा होते नहीं है, बच्चे बच जाते हैं, लेकिन फ्लू जैसा तो हो ही जाता है। और ये बच्चे को जो मदर है जो उनके रिलेटिव जो उठाते पास में रखते हैं तो उनको होने के चांसेस बहुत हाई। 15 दिन तक प्रोटेक्शन लेना जरूरी है। तो प्रोटेक्शन में आप यही कह रहे हैं फिजिकल डिस्टेंस, आई डोंट अंडरस्टैंड डॉक्टर साहब कि हम इसको सोशल डिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं। बेसिकली सोशली तो हम इतने कनेक्टेड हैं, सिर्फ फिजिकली हमें दूर रहना है। नहीं नहीं वो ओके, आई मीन आपके जो वर्ड्स है देयर बेटर, आई विल टेल यू दैट फिजिकल डिस्टेंस आई मीन सोशल डिस्टेंसिंग आई सेड नहीं, आज सभी लोग सोशल पे बोल रहे हैं क्योंकि लगातार फोन पे भी यही मैसेज आते हैं। मुझे लगता है हम तो जब कोई बीमार होता है तो सोशली बहुत कनेक्टेड रहते हैं, बहुत कंसर्न रहते हैं, लोगों को उनसे बात करने की कोशिश, उनको समझाने की कोशिश, तो हमें फिजिकल डिस्टेंस बहुत जरूरी है। इसमें कोई डिबेट ही नहीं है मैडम, इट इज फिजिकल डिस्टेंस जी। तो ये जो आप कह रहे हैं कि बच्चों को माओं को मतलब पेरेंट्स को केयरर्स को तो देखना ही पड़ता है, तो उसमें मास्क लगाना और दूरी कैसे रखें, ये तो काफी मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है मैडम, यू आर राइट। काफी लोगों को ये होता है, बट इधर तो कोई देयर इज नो चांस ना, क्या कर सकते हैं आप। बच्चे को हुआ है, बच्चे को गोदी में रखना है, उठाना है, तो आपको तो होने के चांसेस बहुत बहुत बढ़ जाते हैं। दूर तो रख ही नहीं सकते इन लोग को, स्पेशली जब बुखार आता है ये वो, थोड़ी बच्चे को दूर रख सकते। जी जी, मैं आपको प्रोटेक्ट करो, मास्क पहनो और साबुन से हाथ साफ करते रहो बार बार, उससे चांसेस है कि आपको इन्फेक्शन ना हो। अच्छा, एक मेडिकल सवाल आया कि उनके क्योंकि उनके ब्रदर इन लॉ की डेथ हुई है अभी, कि मोंटेलो कास्ट मेडिसिन का क्या रेलेवेंस है इस तरह की कोविड इन्फेक्शन में। उसने उन्होंने लिखा है मोंटेलो कास्ट, MONTALU का। Shelley, would you like to talk? Would you like to unmute and tell us what are you looking for? Shelley? एक उसके पे जब तक शैली आती है, आभा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मसरम अनम्यूट कर लीजिए सब जिनको बोलना है उनको। हाँ, I have allowed people to unmute now. थैंक यू। तो एक सवाल है कि इंसानों को हो रहा है, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक हो रहा है, इट हैज क्रॉस, मतलब ना एज का कुछ लिमिट है, ना रिलीजन का, ना कास्ट का, ना क्लास का, तो जानवरों को क्यों नहीं हो रहा है, ये एक सवाल पूछा है किसी ने। क्योंकि वो जो लोग हम लोग पैट रखते हैं, हमें हमारे दिल में ये जरूर सवाल आता है कि क्या जानवर भी इन्फेक्ट हो सकते हैं कोविड से। डॉक्टर हर्षा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। डॉक्टर हेग्रे, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था मोंटेलो कास्ट, तो उसमें जो ये आदमी के लिए दिया जाएगा, और किसी को अस्थमा और साथ में कोविड हुआ हो तो उसका अस्थमा का ट्रीटमेंट भी चलना चाहिए। ये कोविड के पेशेंट में अगर स्पैजम बहुत बढ़ता है तो इसमें ये दे सकते हैं, अदरवाइज नो स्पेसिफिक रोल इन कोविड पर से। इट इज फॉर द नैरोइंग ऑफ द एयर पैसेजेस, सांस लेने के जो ट्यूब्स होते हैं वो पतले हो जाते हैं, तो जिसकी वजह अस्थमा जो नॉर्मल अस्थमा होता है उसमें ये देते हैं, और साथ में कोविड में अगर ये सिम्टम ज्यादा दिखे तो ये दे सकते हैं। okay. आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या था मैडम? कि जानवरों को क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जो पेट्स रखते हैं हमारे दिल में ये सवाल आता है। होता है बहुत कम, बहुत कम। ये ह्यूमन स्पेसिफिक है, ये देखा है कि ऐसे काफी डिजीज है जो जानवर में होता ही नहीं है, लाइक HIV नहीं होता है, प्लेग नहीं होता था, प्लेग होता था लेकिन HIV नहीं होता है, ऐसे काफी
कोई डिजीज है, और थोड़े बहुत जानवर में वो हमारे में नहीं होता, ये हमारा जो वेरिएशन है इसके, अभी जो इसमें डिबेट निकला है, वायरस बना है, हुआ है कहीं लैब से, और फिर इसमें जानवर एक वेक्टर है वो लेके आदमी तक पहुंचे, ये अभी इसका स्टोरी है। तो इसमें अब पूरा दुनिया का ये अटेंशन ये चाइना के ऊपर है कि चाइना ने ये गलती से किया, जानबूझ के किया, कैसे हुआ, ये अभी अभी ये डिबेट थोड़ा और चाइना के तरफ जा रहा है। अभी बाइडन जो अभी के प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने तो अपने लोगों को 30 दिन का टाइम दिया है कि तुम ढूंढ निकालो इन लोग ने चाइना में क्या किया जिससे ये वायरस बढ़ गया। तो लगता है ये लेबोरेटरी में वायरस के ऊपर उन लोग रिसर्च करते थे, जहां से गलती से, आई कैन नॉट बिलीव एनीवन इंटेंशनली डूइंग दिस, पर गलती से ये अपने कंट्रोल से बाहर निकल गया। दूसरा उनका थियरी था कि ये एग्जॉटिक एनिमल्स जो वुहान में लोग खाते और उनका उनको वो स्टोर करके रखते हैं उन लोग केजेस में डाल के, तो उसके अंदर से ये वायरस हुआ हो। तो दोनों ये स्टोरीज चल रहे हैं, इसका सच क्या है वो तो थोड़े टाइम के बाद ही पता चलेगा, अभी तो सब कुछ क्वेश्चन मार्क में है कि कहाँ से आया, और बहुत ही कम देखने में मिला, तो ह्यूमन स्पेसिफिक है। ने कहा कि मैं बहुत कंट्रोवर्सी इश्यू में जा रही हूँ, आपने कहा कि पता नहीं है बनाया है नहीं बनाया है, अपने आप हुआ है, एग्जॉटिक एनिमल्स वगैरह के बातें चल रही हैं। एक जो बड़ा एक तरह से सवाल चल रहा है कि इसमें बिल गेट्स फाउंडेशन का क्या रोल रहा होगा, WHO के बारे में भी लोगों के कुछ सवाल है। तो मुझे लगता है कि ये सब इतना मुश्किल है समझना इस वक्त, और अगर इसके पीछे कोई और तरह का कोई इंटेंशन है, कुछ और है, उसको समझना भी बहुत जरूरी है सर। मतलब दिस इज बियॉन्ड अस एट द मोमेंट, लोगों के मन में बहुत आ रहा है कि इतनी तेजी से इतना वायरस पूरी दुनिया में फैल जाना, कुछ कुछ तो सवाल जवाब अभी नहीं मिल रहा है, बट आई थिंक विल टेक टाइम। एक हाँ एक सवाल ये है कि ठीक है वायरस का, हेलो कौन बोल रहा है, बोलना चाह रही है, पूछना चाह रही है, पर मैं या मीटिंग चलो रहा है, चलो म्यूट कर दीजिए। हाँ डॉक्टर, एक सवाल है कि वैक्सीनेशन के अलावा हमारी जीवन शैली में, हमारी लाइफस्टाइल में, हमारे भोजन में, और ऐसी क्या चीजें हैं जिससे करने से हम अपनी प्रतिरोधक शक्ति, मतलब जो रोकथाम की शक्ति है जिसे आप इम्यून सिस्टम्स कह रहे हैं, उसको स्ट्रेंथन करने की जो शक्ति है, क्या किया जा सकता है जिससे कि हम और अपना अच्छी तरह से बचाव कर सकें? तो हमारा खुद का डिफेंस बढ़ाने के लिए आपके जो वाटर यानी हाइड्रेशन शरीर में ठीक होना चाहिए, डाइट, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सब आपके डाइट में अच्छा होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज, उससे हमारे डिफेंस मैकेनिज्म सुधर जाता है। डायबिटीज को अच्छी तरह से कंट्रोल करो, और जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को उतना प्रोटेक्ट करके रखो, कहीं पे भी आपके जो मास्क है ये वो सब छोड़ो मत, गार्ड, डोंट लेट योर गार्ड डाउन, यानी कहीं पे भी ऐसा मानो मत कि आप सेफ है, कहीं गए बाजार में कुछ खरीदने को तो वहां पे जब तक ये निकल नहीं जाता तब तक ये आप प्रिकॉशंस लेकर, और मेरा मानना है मास्क, रेगुलर मास्क, अच्छा वाला कपड़े का मास्क जिसको धो सकते हैं वो अगर पहन के जाओगे, और जो सामने वाला अगर मास्क पहन के रखा है और ढंग से पहन के रखा है तो चांसेस इसके होने के बहुत कम। घर पे आओ, हाथ साफ करो साबुन से, या फिर नहीं आ वो टाइम नहीं है तो फिर सैनिटाइजर को यूज करो,
अगर आप कोविड के कोई पेशेंट या होने पॉसिबल जिसको फीवर कुछ हो ऐसे पेशेंट को मिल रहे हो तो उधर डबल मास्किंग कर सकते हैं या फिर एक N95 मास्क आप पहन सकते हैं जो आपको ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा। जो हॉस्पिटल में होते हैं जैसे मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ तो मैं ऑलवेज N95 मास्क पहनता हूँ और अगर कोविड वार्ड में गए तो मैं डबल मास्क पहन के ही जाता हूँ और पेशेंट को अगर भी लगाते हैं जो कोविड शील्ड जिसको कह रहे हैं प्लास्टिक की क्या वो और अच्छा प्रोटेक्शन देती है क्या कौन सा मास्क नहीं मास्क के साथ साथ में प्लेन में आया जाता है प्लास्टिक का वो अगर आप भीड़ वाले जगह में हो तो ठीक है नॉर्मल के लिए तो जरूरी नहीं है जी, मेरे साथ क्या होता है कि मैं हर रोज का 25-30 पेशेंट को देखता हूँ उसमें से किसको कोविड है किसको नहीं है पता नहीं कोई कैरियर होगा या नहीं होगा बोलना मुश्किल है तो उसमें मैं एक प्लास्टिक शील्ड लगाता हूँ लेकिन नॉर्मल डे टू डे लाइफ में तो मैं कभी प्लास्टिक शील्ड नहीं लगाता कोई जरूरत नहीं है ऐसा कोई डेटा नहीं निकला है कि प्लास्टिक शील्ड लगाने से कम हो जाता है वो आंख से जो जाता है वायरस जो आपको इन्फेक्ट कर सकता है उसके इंसिडेंट है लेकिन बहुत कम है और अगर आपने डिस्टेंस रखा किसी से तो उतना लोडिंग तो नहीं होता है आंख में से मुंह में से सांस लेने से तो हो सकता है लेकिन आंख में से डायरेक्टली होना तो बहुत कम है। डॉक्टर साहब एक और सवाल आया काफी कठिन है कि मैं पढ़ रही हूँ जो सवाल जिन्होंने किया उनकी तरफ से आई हैव सर्वाइव्ड कोविड बट ड्यूरिंग द वायरस I had severe delusion, vagueness, confusion, and hallucinations. Now I have severe forgetfulness and sometimes dizziness. Do you think that it will go with time? And what will be your advice? So he's got a bad attack of COVID and oxygen. The woman, yeah. When the oxygen levels go down, confusion, delusion. All kinds of thought processes get come in because the brain function is affected. The brain ठीक से काम नहीं करता है. I mean the thought processes. These are the earlier signs. तो ये जो है also the experience of COVID, going through COVID is impossible experience. इतना घटिया experience है ये क्योंकि आप जाते हैं एक ward में admit होते हैं जहाँ पे सब लोगों ने ये COVID ये पीपीई किट पहन के आपको मिलने आते हैं आप ना पहचान सकते हैं कोई बात करता है क्या दवाई चलता है क्या नहीं चल रहा है आपको कोई आइडिया नहीं है कोई आपको दोस्त मिल नहीं सकता है आप जो भी कर रहे हो वो फोन पे कर रहे हो आपके बाजू में एक आदमी है जो कल ऑक्सीजन पे था आज उसको वेंटिलेटर पे रखा है तो आपको खुद को डर लगता है अंदर साइकोलॉजिकली देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इसकी वजह से दिस इज नॉट अ नॉर्मल वार्ड दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस तो इसमें से बाहर निकलना तो बहुत मुश्किल है और मेरे को लगता है टाइम इज अ बिग बिग हीलर ऑलमोस्ट ऑल पीपल दैट आई नो जिनको ये प्रॉब्लम्स हुए थे और इनको मैं बताना चाहता हूँ ये दिस इज वेरी कॉमन ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पीपल हु आर एडमिटेड इन कोविड वार्ड वेर रिक्वायरिंग सम ऑक्सीजन दे हैव दिस नास्टी एक्सपीरियंस thinking things and getting delusional during that time and slowly, slowly coming out of it. Good sign is nature is a good healer. ये अपना healing होता ही है और अगर हम अपने आप को हमारे सोच को positive रखें और give some time तो almost guaranteed ये सब चले जाएगा. Time is a very good healer. उन्होंने ये भी पूछा है कि उनके सिर में बॉइल्स हो गए हैं सोरियोसिस तो उसका क्या कारण है इज इट ऑटोइम्यून डिजीज और इज इट समथिंग दैट इज अ साइड ऑटोइम्यून डिजीज सोरियोसिस नो यू आर टॉकिंग अबाउट सोरियोसिस या इट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज तो इसके लिए तो ट्रीटमेंट लेना होगा बट ही कैन स्टार्ट ट्रीटमेंट एनी टाइम नाउ सो दैट इट कम्स अंडर कंट्रोल उसका ट्रीटमेंट है वंस द वायरस इज गॉन एंड कॉम्प्लिकेशंस आर ओवर लाइफ गोस बैक टू नॉर्मल तो वही कट वही ट्रीटमेंट करना है और उसी को देखना
एक सवाल है जो मुझे लगता है कि हमें पहले से ये पता लग गया कि क्या सरफेस पे से कुछ हमें इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे हमने हमारे यहाँ सब्जी आई, फल आए, कुछ राशन आया, तो क्या पैकेट पे या सरफेस पे किसी तरह का इम्पैक्ट होता है? नहीं नहीं, सरफेस में से इन्फेक्शन होना तो वर्चुअली रूल्ड आउट। ये वहां है जहां पे जैसे कोविड वार्ड हो, आईसीयू हो, उधर सरफेस पे होता है, उधर के सरफेस को आपने टच किया और फेस को टच किया, नाक में हाथ डाला, मुंह के अंदर हाथ डाला, तो हो सकता है। लेकिन हर रोज का जो 99.999% लोग का जो लाइफ होता है, उसमें किसी के थैले से आना कुछ तो कोई चांस नहीं है, एंड वो आपके नाक में जाना और अंदर जाना वो सब होता नहीं है। तो लोग पहले बहुत साफ करते थे इसको, सब्जी को भी वो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में डाल देते थे कि भाई इधर से कोविड आता है, वो उससे कुछ होता नहीं है, दैट्स ऑल नॉनसेंस। उससे कुछ डरना नहीं है, सरफेस में से नहीं आता। क्या कुछ लोगों के कोई और सवाल है? मैंने ज्यादातर चैट बॉक्स को पढ़ के सवालों को डॉक्टर साहब के सामने रखा और उन्होंने बहुत ही स्पष्ट हमें आंसर्स भी दिए हैं। अगर किसी का और हो मुझे बात कर। हाँ बोलो, चलिए। दी मैंने बात कर ली थी, जैसे हमारी बॉडी में मतलब कोई भी इन्फ्लेमेशन हो किसी भी ऑर्गन पे, जैसे कंजक्टिवाइटिस है, जिंजिवाइटिस है, या फिर ड्यूडेनाइटिस है, तो उनको क्या ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कोविड होने के? ऐसा कुछ नहीं है। ओके, एक और कौन पूछना चाह रहे थे? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। या मैम, आई वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन। माय सन गॉट कोविड एंड ही वाज थ्रू एंड थ्रू असिम्प्टोमेटिक एंड ही वाज अवे फ्रॉम अस फॉर से 15-20 डेज एंड वी ब्रॉट बैक हिम टू आवर होम इन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। और अभी उसको कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, पर अलग अलग तरह के फियर्स हैं कि इसका बाद में आएगा, ये होगा, वो होगा, तो क्या ये सब होता है या सब ये अनफाउंडेशनल है, इसका कोई मतलब नहीं है? सर, अनफाउंडेशनल नहीं है ये, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ द डिजीज एंड द वरी। देखो, इतना पैनिक क्रिएट किया जी, यहाँ कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं, कोई ना कोई प्रोटोकॉल रखा नहीं है सामने। जी जी, और हम प्रोटोकॉल रखते हैं कि ये होना, ये डरो मत, प्लीज डू नॉट पैनिक। अब 98% आपको कुछ होना नहीं है, 2% में जो होता है वो हम कैसे टैकल करेंगे वो देख लेंगे, आप प्लीज डोंट पैनिक। इसमें से 80%, जैसे आपके लड़के 85%, उनको माइल्ड, नो सिम्टम। अगर वो अभी डर रहा है, दैट इज प्योरली अ साइकोलॉजिकल इश्यू, उनको कोविड की वजह से नहीं है, कोविड के फियर की वजह से, ये पैनिक सिचुएशन की वजह से। It was poorly handled by the government, poorly handled by our health support system. The child needs to be counseled, child needs to be told, okay, you are safe, please don't worry. Thank you so much, sir. Thank you. मुझे एक और चीज जरूरी लगती है इन दिनों में, जो कि मैंने देखा है जिनके पास संभव है, थोड़ा म्यूजिक, अगर पॉसिबल है तो कुछ गार्डनिंग, मतलब कुछ ऐसी चीजें करने की बहुत जरूरत है जिससे आपका मन उस डर से, उस भय से थोड़ा दूर चला जाए और आप अपने आप को थोड़ा सा लाइट महसूस कर सके। कुछ भी है, बराबर है, गार्डनिंग, रीडिंग बुक्स, ये वो, कुछ भी, एनीथिंग टू डिस्ट्रैक्ट इज अ गुड आइडिया। अच्छा, एक शायद एक और सवाल है, मोर ऑर लेस लास्ट, कि आपने डायबिटीज का तो बता दिया कि they are little more susceptible, so they have to keep diabetes in control. एक है कि अगर हार्ट की बीमारी है या कोई अदर सीरियस डिजीज है, जैसे कि अस्थमेटिक है व्यक्ति, तो उनको वैक्सीनेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, वो हाई रिस्क में है, उनको खास करके लेना चाहिए। ये ललन जो पूछ रहे हैं कि मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, प्लीज बात कर लीजिए, अनम्यूट करिए अपने को। ललन, हेलो दी। हाँ ललन,
बोले जी दीदी, अगर कोविड हो गया तो क्या दोबारा भी हो सकता है? दोबारा हो सकता है, और अगर 6 महीने का गैप हुआ तो वापस वही वही इंटेंसिटी, वही उतना ही खराब हो सकता है वापस। तो कोविड हुआ हो फिर जरूर वैक्सीनेशन दोनों डोज ले लेना, जिससे आपके होने अभी जी जी, अभी अभी एक डोज लग चुकी है, तो अभी दूसरी जो है वो कितने दिन में लगेगी? 2 से 3 महीने में लगा दो मैडम। ठीक, थैंक यू सर। अगर और कोई सवाल नहीं है तो हम इस सेशन को थोड़ा क्लोज करते हैं। आभा, अंजू का हैंड रेज्ड है। अंजू बोले प्लीज। अंजू कन्यार, अंजू अनम्यूट कर ले। अंजू अनम्यूट। हाँ जी दीदी, मैं यही पूछना चाह रही थी कि जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनके हार्ट में ब्लॉकेज है या पिछले कुछ टाइम में हार्ट फेलियर बताया है, सीवियर अस्थमा है, तो ऐसे लोग भी इंजेक्शन ले सकते हैं, या थायराइड वगैरह है तो? अभी उन्होंने जवाब दिया है। हाँ जी, क्योंकि मैं वही जानना चाह रही हूँ, जैसे हमारे नेबर हैं, उनको हार्ट ब्लॉकेज बताया है, और मेरी मम्मा है जिनको हार्ट फेलियर हुआ था पिछले साल, मतलब कुछ परसेंटेज फेलियर नहीं बोल रहे, प्लीज फेलियर नहीं है, नहीं वो डॉक्टर्स ऐसे ही बोल रहे थे, अब मुझे इतना वो उनका वो जानकारी नहीं है। मैडम ले लो। हाँ जी ले लो। अच्छा, इनको अगर कोविड होता है तो इनके इनका जो केस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, वैक्सीन लेने से फायदा है। जी वैक्सीन से डरो मत। जी ठीक है सर, थैंक यू। मैं सच में तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ, बहुत मदद मिली है बहुत सारे सवालों के जवाब से, और मुझे लगता है कि अगर आपको एतराज ना हो तो कभी फिर से अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम फिर आपके पास पहुंचेंगे। बहुत तसल्ली भी हुई है मुझे लगता है सब लोगों को, एक तो अपने सवाल पूछकर, और जो आपने बहुत व्यवस्थित जानकारी दी है वो भी हमें थोड़ा सा एक डर से दूर करने में मदद करेगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्वस्थ रहें और आपसे फिर हम मिल पाए, ये आपसे गुजारिश है। थैंक यू मैडम, थैंक यू शबनम, थैंक यू, थैंक यू अर्षा, सबको नमस्ते, अपना ख्याल रखना और स्वस्थ रहना। गुड बाय।